नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका जीएस मेंटोर गगनदीप महिंद्रा फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस सेशन में। ठीक है, तो आज गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम कुछ टिप ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं जिसके हम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा है हमारे पास। यहाँ पे 12 शेड्यूल है, उसके पास 22 पार्ट है और 395 आर्टिकल भी है हमारे पास। तो यही सब चीज़ों को लेकर हल्का सा यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक के साथ आज मौजूद है यहाँ पे। ट्रिक इंडिविजुअली बने तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी ये बहुत सटीक लगता है मुझे, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। उम्मीद होगी कि आपको थोड़ा सा ईज हो जाएगा आपके गोल को अचीव करना यहाँ पे। ठीक है, तो भाई एक चीज़ साथ में आपने करना क्या है, इसी लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक काम करना है। यहाँ पे ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, अगर आप मेरे इस तरफ देख रहे हो, यहाँ पे गगनदीप महिंद्रास के नाम से है, इसके साथ जुड़ना है आपने। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे वहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैंने पहले बता ही दिया, वो क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एक टिप ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, निमोनिक्स कह लीजिए यहाँ पे, या फिर रट्टा मारने के लिए कह लीजिए, कुछ भी कोई भी चीज़ कह लीजिए, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले उसी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ट्रिक्स टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, प्लस यहाँ पे पार्ट्स भी होंगे और प्लस यहाँ पे शेड्यूल भी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अभी जैसे बताया कि अगर दो चीज़ें, सबसे पहले ट्रिक्स के ऊपर जाने से पहले दो चीज़ें हम जिक्र कर लेते हैं, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हम शेड्यूल की बात करते हैं। चलिए, जिसमें संविधान बना था उस समय हमारे पास कितने थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक, और उसमें 22 पार्ट ही थे, प्लस साथ में 395 आर्टिकल मौजूद थे हमारे पास। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब अगर हम देखा जाए तो आज के दौर में तो क्या है, ये बढ़ के हो गए हैं 12 शेड्यूल हो गए हैं यहाँ पे, और ये 22/25 पार्ट हो चुके हैं। वो पार्ट कैसे बन गया, जैसे 9A 9B और प्लस 15A जो ट्रिब्यूनल जुड़ चुका है, वो सारे के सारे मिला के हमारे क्या बन जाते हैं, 25 पार्ट बन जाते हैं, और 395 आर्टिकल उतने ही हैं। लेकिन इसके आगे चल के यहाँ पे सब क्लॉज, जैसे कि 21A बन गया, उसके बाद 39A 39B 43 51A, ये ऐसे करके करते आज की डेट में मोर देन 465 प्लस आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। चलो, ये तो सारा चीज़ होगी समझने के लिए। अब यहाँ पे जल्दी से आते हैं, जो शेड्यूल को रिमेंबर करने का, याद करने का ट्रिक है उसको देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ट्रिक होगा 12 शेड्यूल को याद करने का, बड़ा आसान सा है, तो वो चीज़ आपको याद रखिएगा। दो दो तरीके से हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे, एक वो जो यहाँ पे लिख के है और एक साइकोलॉजिकली वहाँ पे। तो यहां पे शेड्यूल के लिए हमने क्या करेंगे, यहां पे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एक लाइन बन जाएगी जिसके तहत आप यहां पे याद करो इसको। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, टी मतलब टेरिटरीज हो गया, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट, जो टेरिटरीज की बात करते हैं कि भारत की विविध, भारत कहां कहां किस चीज को मिलकर भारत बनता है, तो वो टेरिटरीज में आएगा, मतलब एरिया होगा, इलाका बन गया हमारा। अब इलाके के बाद यहां पे आती है ई की बात। ई को आप ऐसे ले सकते हैं, एम्यूलमेंट्स भी कह सकते हैं, अर्निंग भी कह सकते हैं, या फिर सैलरी भी कहते हैं यहां पे। शेड्यूल टू में जो सैलरी मेंशन है, जिसमें कि सैलरी किस किस की मेंशन होती है, कैग की सबसे जरूरी याद रखनी है आपने। कैग के साथ साथ अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर प्रेजिडेंट की होती है, वाइस प्रेजिडेंट की नहीं होगी इसमें, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की होगी यहाँ पे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव की होगी यहाँ पे, और प्लस जजेस की भी इसी में आपकी सैलरी, जजेस आए किसी की भी, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सबकी जजेस की सैलरी इसमें से ही जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा शेड्यूल हमारे पास ये आ जाता है, और तीसरा हमारे पास ये है यहाँ पे ओथ एंड एफर्मेशन। ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशन के आधार पर क्या, शपथ लेना है यहाँ पे। अब इसके तहत शपथ कौन कौन लेता है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे यूनियन, इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना, तीन नंबर को यहां पे एक तरफ यूनियन लगा दो, एक तरफ स्टेट लगा दो यहां पे, ठीक, तो एक तरफ यहां पे यूनियन के मिनिस्टर और यहां पे स्टेट के मिनिस्टर दोनों हो जाएंगे, चीज क्लियर। फिर मेंबर्स ऑफ यूनियन मतलब पार्लियामेंट के, और उधर स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर इसी के अंदर शामिल होते हैं। जजेस की इसी के अंतर्गत आ जाएगी यहां पे, और ये सारे के सारे चीजें आपने याद करके रखनी है यहाँ पे। तो ए के साथ हो गया, एफर्मेशन हो गया। अब एफर्मेशन के बाद आता है यहाँ पे आर, आता है यहाँ पे
आर को आप बंटवारा कर दी, यहाँ पे सीटों का आवंटन होता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ये शेड्यूल 4 के तहत होगा। तो यहां से आर का यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखा है टीएच का, आर से क्या होगा एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, किस किस समुदाय किस किस स्टेट को कितनी स्टेट जो सीट्स हैं आवंटित करनी है, किसको कम किसको ज्यादा, वो सारी की बातें याद करनी है। राज्यसभा की टोटल सीट बेटा याद रखिएगा 245 है, जो अभी की घड़ी में 245 है। इसमें 245 में अगर हम बात करें 238, अगर हम 250 के अकॉर्डिंग चलें तो वहां पे 238 प्लस 12 ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और ये इलेक्टेड होते हैं। अगर 245 के अकॉर्डिंग करेगा तब कैसे करेंगे, तब भी 12 के 12 रहेंगे और यहाँ पे 233 इलेक्टेड रहेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी चीज में डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद आता है शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। हमने ट्रिक क्या लिखा था यहाँ पे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यही लिखा था। आर तक कर लिया था हमने चार, अब बच गया यहां पे शेड्यूल्ड एरिया, वो एरिया जो राष्ट्रपति ने यहां पे जिसको डिक्लेयर किया है यहां पे कि वो शेड्यूल्ड एरिया है वहां पे, तो किसी राज्य में भी हो सकता है या किसी ट्राइबल एरिया में भी हो सकता है। तो वो सारा का सारा एरिया जिसके एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली कौन करता है, खुद राष्ट्रपति करता है, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 5 आ जाएगा। और पांचवे और छठे में थोड़ा सा अंतर याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद टीयर्स के बाद आ जाएगा ऑफ, ऑफ के ओ के साथ जो अदर शेड्यूल्ड एरियाज है किसमें है यहाँ पे, एटीएम याद रखेगा, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। तो कभी कभी प्रश्नों के रूप में पूछता भी है कि भैया बताइए कौन सा स्टेट जो है वो छठे शेड्यूल में नहीं मेंशन है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी। अब इसके साथ हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है यहां पे, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर की बात कर दी जाएगी यहां पे, ठीक है। एफ से फेडरल, वहां से फिर ऑफ से हो जाएगा डिवीजन ऑफ पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट के बाद हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, जबकि यू एंड एस यूनियन एंड स्टेट हमने 1935 से ही लिया हुआ है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें, पहले इसमें 97 थे, आज की डेट में 100 चीजें हैं यहाँ पे। स्टेट की बात करें, पहले 66 थे, आज की डेट में 61 मैटर्स है इसमें। अगर हम कॉन्करेंट की बात करें यहाँ पे, इसमें पहले 47 थे, अब इसमें 52 मैटर्स के ऊपर चर्चा की जाती है यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, ऑफिशियल लैंग्वेज जो आधिकारिक भाषा होगी 343 के तहत, आप जानते हैं यहाँ पे हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में हम काम करवा सकते हैं उसमें, तो वही चीज है यहाँ पे। तो सातवां यहाँ पे क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा यहाँ पे। स्टार्टिंग में बेटा हमारे पास 14 लैंग्वेज थी याद रखिएगा, इसके बाद 21, 71, 92, ठीक है, 21, 71, 92 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यहाँ पे, जिसके तहत सबसे पहले सिंधी ऐड होती है, ठीक, फिर मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, फिर एंड में बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली हो जाएगी। अब एक सिंपल सी, इसमें भी ट्रिक है, इस तीनों को कैसे याद रखोगे, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो हमेशा 92 आएगा, 21 प्लस 71 कितना होगा, 92 ही होगा यहाँ पे, इस चीज को याद रखेगा यहाँ पे। तो यहां तक तो थे ओरिजिनल हमारे पास, ओरिजिनल के बाद हमारे पास आते हैं चार नए आते हैं, जो कि किसके साथ होगा, अगर बात करें तो यहां पे हम किससे स्टार्ट करेंगे, यहां पे एल से स्टार्ट करेंगे, ओल्ड के एल से। तो यहां पे एल से क्या होगा, लैंड रिफॉर्म्स आ जाएंगे, यहां पे जुडिशियल रिव्यू वाला केस बन जाएगा, यहां पे जितने भी लैंड रिफॉर्म्स आते हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ये फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ 1951 में ही ऐड कर लिया गया था, तो एक अमेंडमेंट यहां से याद कर लीजिए, चीजें क्लियर। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहां पे एंटी डिफेक्शन, तो डिफेक्शन के लिए 52 है, 25 नहीं 52 होगा, ये 52 सी ए 1985 से यहां पे ऐड किया गया था। यहां पे इसके तहत जब भी कोई बंदा जो मनोनीत होता है या इलेक्ट करके जहां पे जाता है, कहां पे, स्टेट लेजिस्लेचर में या फिर पार्लियामेंट में जाता है, अगर वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के अंदर ज्वाइन करता है तो उसकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता था, बाद में पार्टी ज्वाइन करता, अभी उसकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जाती है यहाँ पे। तो ये कब हुआ था, 52 सी ए 1985, इंदिरा गांधी के जस्ट डेथ होने के बाद। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री कौन बने थे यहाँ पे, राजीव गांधी बने थे, जिनको लिट्टे द्वारा मारा गया था, या जो कि श्रीलंका की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, ये भी याद रखना है।
अब इसके साथ आता है, ये मेरा फेवरेट वन है, पंचायती राज। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था यहां पे। इस चीज को यहां पे याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता की कमेटी के साथ आ जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पहले लागू हो चुका था भारत में, कब, 2 अक्टूबर 1959 को ये भारत में लागू हो चुका था। ये चीज आपको याद रखनी है, कहां पे, राजस्थान के नागौर में हुआ था। इसके बाद जो अगली स्टेट होती है वो होती है आंध्रा, होती है राजस्थान के बाद आंध्रा आती है यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी। और पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के भी इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो अगला जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका म्यूनसिपैलिटी, 74th अमेंडमेंट 1992 के साथ आपको ये याद रखना है। होप ये सारी की सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। तो टीयर टीयर ऑफ ओल्ड पीएम से याद रखेंगे यहाँ पे, कुल मिला के इसमें 12 अक्षर मिलेंगे यहाँ पे, 12 के 12 के साथ। सिर्फ आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए, म्यूनसिपैलिटी का एम है तो भैया 12वां है, पी का पंचायत है 11वां है, डी का ये क्या है, डिफेक्शन है, 10वां है, फिर लैंड के साथ 9वां, ऑफिशियल के साथ ओ, ये इस तरीके से 100 सारे के सारे याद रखिएगा। होप अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देगा। अगली वीडियो किस आर्टिकल्स को याद करने के लिए चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसको भी हम करवा देंगे आगे। अब इसके बाद जो अगली चीज हम याद करने वाले हैं वो है पार्ट्स याद करने वाले हैं। पार्ट्स याद करना बहुत आसान भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 22/25 पार्ट है यहाँ पे। तो इसको याद करने के लिए चीजें कैसे याद करनी है आपने, तो 22/25 पार्ट में सबसे पहले पहला पार्ट क्या आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। तो आपने एक सिंपल सा पहले लाइन याद करना है, पहले ये वाला, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। यू फॉर यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा, यूनियन एंड टेरिटरीज हो जाएगा, कैन से सिटीजनशिप हो जाएगा। सिटीजनशिप जो होगा ये पार्ट 2 के अंदर 5 से 11 के अंदर आता है। तो सिटीजनशिप मिलती कैसे है, BRAND ब्रांड टर्म से निकलती है यहां पे, ये चीज याद रखिएगा। बी फॉर बर्थ, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, ए फॉर एक्वायरिंग, एन फॉर नेचुरलाइजेशन, डी फॉर डिसेंट। इस तरीके से आपने क्या किया यहां पे, भारत की नागरिकता ली। भारत की नागरिकता देने का अधिकार किसको है, सिर्फ पार्लियामेंट को है यहां पे, और छीनी भी जा सकती है कैसे कैसे, टर्मिनेशन, डेप्रिवेशन एंड रिनंसिएशन। टर्मिनेशन कब होगा यहां पे, मान लीजिए कि मैं अगर कनाडा चला जाऊं तो मैं क्या होगा, कनाडा का सिटीजन होगा। भारत क्या करता है, सिर्फ एक नागरिकता प्रदान करता है यहां पे, तो इसी के साथ मेरी टर्मिनेशन है। डेप्रिवेशन, अगर मैं किसी ऐसी गतिविधि में पाया जाऊंगा जो देश के हित में नहीं है तब डेप्रिवेशन हो जाएगा। और रेनंसिएशन, मैं भारत सरकार की नीतियों से तंग आ चुका हूं, या फिर कह लीजिए भारत में नहीं रहना चाहता, एक सिंपल सा पार्लियामेंट को लेटर लिखिए कि भैया मुझे भारत का नागरिक नहीं रहना, तो आपकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। तो सी से याद रखिएगा, ये सिटीजनशिप होता है यहाँ पे। चीजें क्लियर। ये पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स के साथ संबंधित है यहाँ पे। आर्टिकल 12 से 35 के साथ होगा। तो यू कैन फ्लाई के एफ से याद रखना है आपको कि भैया ये होता है क्या, आपके मौलिक अधिकार होते हैं जो 12 से 35 के बीच में लाई करते हैं। इसके बाद फ्लाई डायरेक्टली, डायरेक्टली के डी से 36 से 51 DPSP हो जाएगा यहां पे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अगली चीज की बात करें यहां पे, तो फॉर फ्रॉम का, फ्रॉम एस फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा, आर्टिकल 51A हो जाएगा यहां पे, 42CA 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी के समय में होगा यहाँ पे, 10 थी अब 11 हो चुकी है, 11वीं ड्यूटी 86 CA 2002 को ऐड की गई थी, ये याद रखिएगा। चीजें क्लियर हो गया। तो यहां तक ये तो 6 हो गए बिल्कुल क्लियर। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा कि आप डायरेक्टली यूएस से जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग 6 पार्ट आपके पहले याद हो गए जल्दी से। अब इसके बाद जो 7th पार्ट होता है ये बेसिकली स्टेट के साथ डील करता था यहाँ पे। तो इसको कब हटाया गया, इसको 7th अमेंडमेंट 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल अगर आपने पढ़ा हो, तो इससे पहले भारत में ABCD कैटेगरी करके स्टेट थी यहाँ पे। जब ये लागू हुआ उसके बाद 14 स्टेट और 6 UT निकल के आती है हमारे पास यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब अगली चीज के ऊपर आते हैं। अगली चीज क्या है, तो याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए कि भारत में कितनी है, 8 UTs है यहाँ पे। इस तरीके से इसको याद रखिएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज की बात करें यहाँ पे, यहाँ पे अगली चीज क्या है यहाँ पे, द यूनियन, इसको जो ये चीज है द यूनियन और DPSP, यूनियन और स्टेट्स को याद करने का और एक तरीका है यहाँ पे। तरीका कैसे है, DPSP में कितने अक्षर आते हैं, 4 आते हैं यहाँ पे, तो ये चौथा हो गया। यूनियन में 5 आते हैं, ठीक है, स्टेट्स में 1 2 3 4 5 6।
तो इस तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब अगली चीज देखो, यहाँ पे 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है यहाँ पे। तो सेंटर स्टेट में जो रिलेशंस होते हैं वो पार्ट 11 के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, ये भी याद रखिएगा, चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे यूटीज का, हमने कर लिया था बेटा। अब अगली बात आती है पंचायत की, म्यूनसिपैलिटी की, जो 9 के बाद 9 आता है, 9A, 9B, ये सारी चीजें आ जाएगी यहाँ पे। चलो अब अगली चीज के देखें, तो यहां पे अगर आप P को देखो और इधर मिरर लगा दो, बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे 9 बनेगा, तो ये क्या हो गया, एक मिरर इमेज बन गया, 9 का P बन जाएगा, तो पंचायती राज हो गया। अब यहाँ पे कंपनी का नाम रखा पनु मनु कॉपरेटिव्स, पनु मनु कॉपरेटिव्स के P से पंचायती राज हो जाएगा जो 9 हो जाएगा यहाँ पे, मनु जो 9A हो जाएगा यहाँ पे, म्यूनसिपैलिटीज हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, जो यहां से कोऑपरेटिव से 9B हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, चीजें क्लियर होगी यहां पे। तो ये सारी की सारी 9 तक क्लियर हो गया सब कुछ। 9 का क्लियर होने के बाद बेटा अगली बात आती है ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल मतलब आदिवासी, आदिवासी लोग बहुत क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, तो खतरनाक होते हैं तो वहां पे एक्स का सिंबल डेंजर का सिंबल रहेगा, तो उसको आप याद रखिएगा कि 10th डेंजर का सिंबल है, तो मतलब ये ट्राइबल एरियाज के साथ संबंधित हो जाएगा यहाँ पे। तो सारी की सारी बेटा याद तक क्लियर चीजें क्लियर होगी। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो उसको हम खुद पर्सनली आपको देखेंगे। इसके बाद जो अगली चीज आती है 11 के बाद आता है, हम यहाँ पे 10 के बाद 11 से लेके यहाँ पे 22 पार्ट तक देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 11 का बात कर चुके हैं, यहाँ पे 5 और 6, 11 होता है यूनियन स्टेट के लिए होता है, उसके तहत यहाँ पे ये यूनियन स्टेट रिलेशनशिप हो जाएगा। अब एक सिंपल सा लॉजिक इन तीनों के साथ संबंध बनाना है यहाँ पे, और एक तो ट्रिक ये है और एक ये भी चल सकती है 11-12 को याद करने के लिए। 12वीं में जाके आप फाइनेंस पढ़ते हैं, फाइनेंस मतलब मुद्राएं, मुद्रा से क्या होगा ट्रेड आएगा, तो 13वां क्या हो जाएगा ट्रेड हो जाएगा, ट्रेड कैसा जिसमें आप सर्विस देते थे, तो 14 क्या हो जाएगा यहां पे सर्विस हो जाएगा यहां पे। इस तरीके से 12, 13 और 14 को आप याद कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑल्टरनेट है मेरे पास वो क्या है, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ठीक है। तो एफ से यहां पे क्या होगा, यहां पे फाइनेंस प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स हो जाएंगे यहां पे, टेस्ट के टी से यहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाएगा विद इन स्टेट ऑफ इंडिया या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्वीट के एस से अगर बात करें तो सर्विसेज हो जाएंगी यहां पे। ये अब ये आ गया टू, टू के टी से जो टी शब्द है इससे क्या हम जिक्र करेंगे यहां पे ट्रिब्यूनल्स, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जो 14A के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे यहां पे, ठीक है। ईट कर लिया, खाने खाना खा लिया, खाने के बाद टू ईट करने के, ईट करने के लिए यहाँ पे पैसा खाया, मतलब यहाँ पे वोट खाने का काम कौन करेगा, इलेक्शन होगा, ईट किसको करना है यहाँ पे वोट्स को गबन कर लिया या खा लिया, उस तरीके से याद करना। सो ऑन खाता ही गया, कैसे कैसे स्पेशल प्रोविजंस के साथ खाता गया, किसके संग में यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के संग में। अब देखो थोड़ा सा रिलेशन एक और, अब ये 17वां पार्ट है, तो 7 और 1 कितना होता है 8, तो 8 शेड्यूल भी किसके साथ संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ ही संबंधित है, पीछे चर्चा कर चुके हैं हम यहाँ पे, चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब अगली चीज आती है इमरजेंसी प्रोविजंस की, यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आता है 18 के साथ, तो 108 होता है वो इमरजेंसी एम्बुलेंस वाला, उसे याद रखो, तो बीच में से 0 गायब कर देना यहाँ पे, तो 18 इसको याद कर लेना कि वो किसके साथ है, इमरजेंसी प्रोविजंस है जिसमें कि 352, 356 और 360 आर्टिकल, ये फाइनेंस इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और ये नेशनल इमरजेंसी हो जाएगा आपका, चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद बचते हैं 3 चीजें यहां पे, ठीक है, तो बच के एंड के ये 4, तो टर्म ये रखा मैक्स, मैक के एम से अगर बात करें तो मिसलिनियस हो जाएगा, फिर ए की बात करें तो अमेंडमेंट हो जाएगा, याद रखिए जो पार्ट 20th है अमेंडमेंट में है, अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया यहां पे, तो अमेंडमेंट वाला जो ये पार्ट है इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, बाकी किसी भी पार्ट में एक आर्टिकल नहीं है, उससे ज्यादा ही रहे होंगे हमारे पास। फिर टी से यहां पे टेम्पररी एंड ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन हो जाएगा, और एस से यहां पे क्या हो जाएगा शॉर्ट टाइटल्स डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो बाकी सब चीजों की चर्चा इसमें हो जाएगी। ये सारा का सारा पार्ट्स प्लस शेड्यूल में बहुत आसान बन जाता है यहाँ पे, चीजें क्या क्या याद करनी है एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको याद करना है कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, ये याद करना, फिर पनु मनु का कॉर्डर सोसाइटी है, एक्स फॉर डेंजर है, डेंजर के बाद फिर बात याद रखनी है फ्रूट टेस्ट स्वीट टू
टू ईट एंड सो ऑन, ठीक है, वो मिठाई लगते जाता, फिर 108 और मैथ्स, इसके साथ पूरे के पूरे आपको 22 पार्ट चुटकी में जाते याद हो जाएंगे वीडियो देखते देखते यहाँ पे। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं हम यहाँ पे, पार्ट्स हो गया हमारा यहाँ पे, उसके बाद शेड्यूल्स हो गए, अब एक जो जरूरी चीज आती है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट से पहले हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस हुए थे यहाँ पे। तो जो पार्ट 7 था कब हटाया गया था, रिपील्ड हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ठीक है, 7वां पार्ट है, 7 के साथ ही है यहाँ पे, 5, 6, 7 से याद रखिएगा, 5, 6, 7 7th अमेंडमेंट 7th पार्ट हटा दिया गया था। 4A कब लाया गया था, 42 CA 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी वाला, याद रखिएगा, USSR से लिया थे। फिर म्यूनसिपैलिटी 1992 से लिया था यहाँ पे, अब कॉपरेटिव सोसाइटी 2011 में 97 CA से होगा। अब इसमें से इन दोनों को याद रखो थोड़ा सा, 14A और 4A दोनों के साथ चार चार है तो दोनों का सेम ही होगा यार भैया, 1976 42 CA, इसको आपने याद करके रखना है यहाँ पे। इसके बाद जो अगली चीज होती है वो होती है फंडामेंटल राइट्स की तरफ हम बढ़ेंगे यहाँ पे। तो फंडामेंटल राइट्स भैया ये रहे मेरे इस तरफ लिखे हुए, तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर में लिखे हुए हैं बेटा ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कीवर्ड्स होंगे जो एक ट्रिक के साथ हम रिलेट करेंगे। अगली बात करें तो पहले हमारे पास 7 राइट्स थे, आज की डेट में रह गया खाली 6, तो राइट टू प्रॉपर्टी अब गायब हो चुका है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये आज आपकी डेट में क्या है, ये लीगल राइट बन चुका है, इस चीज को आपने याद रखना है। एक बार जल्दी से हम नजर दौड़ा लेते हैं किस चीज के ऊपर, यहाँ पे सारे के सारे इसके ऊपर दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वालिटी का लॉ क्या क्या कहलाता है, यहाँ पे ये 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29, 30, तो इस तरीके से जो अगला हो जाएगा वो आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के साथ याद रखना। पहला क्या कहता है यहाँ पे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक। दूसरा क्या कहता है, लॉ के समक्ष सभी समान है, किसी जाति धर्म के भेदभाव किए बगैर, अमीर गरीब का भेदभाव किए बगैर, कानून के समक्ष सभी समान है यहाँ पे। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है यहाँ पे भेदभाव, किसी जाति लिंग या फिर जन्म स्थान के बिना पे अगर कोई भेदभाव करता है तो वो भी नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है यहाँ पे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज में पब्लिक पोस्ट में यहाँ पे, ठीक है, जब भी कभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है कि भैया ये वाला जो पोस्ट है वो निकला है तो आप सबको फिल कर सकते हो यहाँ पे। अगला चीज अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना यहाँ पे। टाइटल, कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते यहाँ पे, ठीक है, वो भी सारी की सारी चीजें समझाते जाऊंगा यहाँ पे। अब इसके बाद जो सबसे पहली चीज है यहाँ पे वो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है लॉ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। क्या एक लाइन पूरी याद रखनी है, लॉ रिमूव्स डिस्क्रिमिनेशंस, गिव्स अपॉर्चुनिटीज एंड एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, इट ऑल्सो गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड क्लियर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड चाइल्ड लेबर, कंसाइंस, मैनेजेस टैक्सेस एंड अटेंडेंसेस एंड टू प्रोटेक्ट कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज। तो जितना भी अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे बस इसको आप याद रखिएगा यहाँ पे बस, ठीक है, इसको याद रखेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब सबसे पहले आर्टिकल 14, तो ये हो जाएगा लॉ के साथ यहाँ पे जो पहली चीज है, बस ये याद रखना है कि ये 14 से स्टार्ट होता है, 12 से स्टार्ट नहीं होता है, तो ये 12 से 35, लेकिन जो राइट्स स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 14 से 18 तक जाते हैं। जो 14 हो गया लॉ के साथ हो गया, रिमूव्स डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कितना है यहाँ पे 15 नंबर आर्टिकल है यहाँ पे। फिर अपॉर्चुनिटी, पब्लिक अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो ये 16th आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे, 16th आर्टिकल, छुआछूत खत्म करना है तो ये 17वां आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे। फिर टाइटल्स, टाइटल्स के बारे में खास बात करनी है यहाँ पे वो जान लीजिए, टाइटल्स के केस में ठीक अगर हम बात करें तो आप एजुकेशनल और प्लस मिलिट्री टाइटल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा महाराजा वगैरह वगैरह चीजें आप नहीं लगा सकते हैं, बट भारत रत्न, भारत भूषण, विभूषण जितने भी ये है, ये टाइटल्स को अमाउंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद ये तो खत्म हो गया राइट, राइट ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे, फिर फ्रीडम पे ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है यहाँ पे, जिसको प्रेस का कानून भी हम कहते हैं यहाँ पे। अब ये जो है यहाँ पे क्लियर, CLEAR, ठीक है, तो क्लियर का अगर हम सबसे पहले देखें तो 20th आर्टिकल इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे, कन्विक्शन हो जाएगा कि आपको अरेस्ट अगर कोई करता है
तो आपके राइट्स बनते हैं, उसको बताना पड़ेगा किस बिना पे उसको आप अरेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब चीजें आ जाती हैं। इसके बाद लाइफ आ जाता है 20-21 में, फिर इसके बाद ई फॉर एजुकेशन 21A आ जाएगा, और ए आर अरेस्ट एंड डिटेंशन आ जाएगा आपका 22 में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 21A है ये कब ऐड हुआ था? 86 CA 2002 में ऐड हुआ था, याद रखिएगा। मैंने कैसे याद रखा वो भी जान लीजिए। 8 और 6 के बीच में दूरी कितनी है? 2 की दूरी है, बस वही याद रखिए, 2 और 2, बस कहानी खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 CA में आर्टिकल 45 में भी चेंजेस हुए थे, और 51A में भी 11th ड्यूटी चेंज हुई थी, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, तो क्लियर तक हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ पे ये कितना है? ये 20 है, ये 21 है, 21A है, और ये दोनों मिला के 22 हो गए यहाँ पे। तो फ्रीडम का खत्म हो गई कहानी पूरी। अब दो चीजें और याद रखनी है। आर्टिकल 19 नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड होता है, जबकि 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, ये चीज आप याद रखिएगा यहाँ पे। चीजें क्लियर। अब इसके बाद आते हैं एक्सप्लोरेशन की। वहां पे एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्सप्लोरेशन में सबसे पहले तो ये कितना आ जाएगा? 23 नंबर आर्टिकल जो है एक्सप्लोटेशन आ जाएगा। एक्सप्लोटेशन कैसे? मान लीजिए आप काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन तब भी जबरदस्ती काम करवाया जाता है, या फिर आप काम कर रहे हैं आपको मेहनत मजदूरी उतनी प्रॉपर नहीं दी जा रही है, ठीक। और इसके साथ प्रोस्टिट्यूशन भी, सारी चीजें किसके अंदर आता है यहाँ पे? एक्सप्लोटेशन में आता है यहाँ पे। फिर इसके साथ आता है अगला आर्टिकल 23 के बाद आता है 24, चाइल्ड लेबर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है यहाँ पे 14 साल से नीचे के बच्चे यहाँ पे कहीं भी खतरनाक जगह पे काम नहीं कर सकते, लेकिन कानून का कहना है कि भैया ये 14 नहीं, ये 18 होगा यहाँ पे। तो 18 की एज तक आप कहीं भी काम ऐसी जगह पे नहीं कर सकते जहां पे क्या हो, आपकी जान को खतरा होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगली चीज आती है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ जाते हैं हम यहाँ पे। कंसाइंस, आपकी मर्जी है भाई धर्म के बारे में, तो कंसाइंस याद रखिएगा यहाँ पे। मैनेज, मैनेज क्या करना है? धार्मिक मसलों को आप मैनेज कर सकते हैं। टैक्सेस से क्या करना है यहाँ पे? कंसाइंस की अगर हम बात करें तो कंसाइंस है 25, ये है 26 और ये है 27, आपका टैक्सेस हो जाएगा। टैक्सेस में हम ये कह सकते हैं कि सरकार आपके ऊपर किसी जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकती कि आप किसी धर्म विशेष के लिए दान दीजिए, ठीक है। कोई आपसे जबरदस्ती कर नहीं सकता, मन है तो कीजिए नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। 27 हो गया। अब बात करते हैं 28 की यहाँ पे। अटेंडेंस किस चीज की? आपका मन है, आप मान लीजिए जैसे कि मैं सिख हूं, ये मेरी मर्जी है कि मैं गुरुद्वारा जाऊं या ना जाऊं, मैं आगे चल के सिख बनूं या ना बनूं, ये मेरा अधिकार है यहाँ पे, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं यहाँ पे। घर की बात क्या होती है उसको एक समय के लिए अलग रख दीजिए, समझने के पर्पज से यहाँ पे। मतलब आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है किस चीज की, कि आप वही धर्म अपनाएं जो कि आपके घर वालों ने अपना के रखा है, आपका जो मर्जी है वो धर्म अपनाइए वहां पे, ठीक। ये ऐसा कौन कहता है यहाँ पे? ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर ऐसा करोगे तो घर वाले तड़ीपार कर देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद है प्रोटेक्ट कल्चर, ये होता है 29 और ये होता है 30, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटीज यहाँ भारत में कोई भी कदम उठा सकती हैं। यहाँ पे याद रखिए, माइनॉरिटीज जो भारत में हैं वो लैंग्वेज पे भी और रिलीजियस बेसिस पे भी दोनों पे मौजूद होती हैं यहाँ पे। जबकि 30th आर्टिकल क्या कहलाता है यहाँ पे? राइट ऑफ माइनॉरिटीज आता है कि वो अपने अपने इच्छा से अनुसार यहाँ पे कोई भी चीज को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने धर्म को नहीं कहूंगा, अपने जो कम्युनिटी है उसके लिए कोई भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर बचा था आर्टिकल 32, ये तो सबको याद है तो इसका हमने लिखा नहीं बीच में। तो गाइस ये था आज का सेशन, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम यहाँ पे। कोई भी इसमें शंका हो किसी को याद करने में, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना कम रहेगा यहाँ पे। जैसे जैसे समझाया वैसे वैसे याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, अपना एक नया मेथड भी डेवलप कीजिएगा, हेल्प लीजिए इससे यहाँ पे। हेल्प लेने के बाद एक नया मेथड डेवलप कर लीजिए, डेवलप करेंगे तो वो आपको हमेशा ताउम्र याद रहेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें खुद की डेवलप की हुई है यहाँ पे तो बड़ी आसान बन जाती है यहाँ पे। अब इसके बाद बेटा करना क्या है आपको? भाई ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे, तो इसके साथ जुड़ जाना आप सबने, यहाँ पे जुड़ जाएंगे मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पर। इसकी PDF जो होगी इस क्लास की आपको यहीं पर मौजूद मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके साथ जो अगली चीज अब आती है भैया, ये आती है कि भैया अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर एक नई ट्रिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे यहाँ पे, और जो आपको आगे लेके जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे इसको वीडियो को शेयर भी कर देगा और लाइक भी कर लेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।